आप कहाँ से आए? यूपी, लखनऊ। लखनऊ से यहाँ पे आए हैं सर, कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये लड़का हमारा खिलाड़ी है तो टेबल टेनिस टूर्नामेंट खेलने आए हैं। अच्छा, हर्षवर्धन दीक्षित नाम है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बहुत अच्छा लगा कि पहली बार ऐसा कुछ गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ, और यहाँ गवर्नमेंट बहुत अच्छे लेवल पे आने वाले टाइम में और भी ऐसे इवेंट्स कराएगी, और अभी भी हम लोगों के लिए पैरा स्पोर्ट्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों के लिए अच्छे अच्छे इवेंट कराए जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमारी और मतलब उम्मीद है कि गोवा गवर्नमेंट और अच्छी हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी यहाँ पर। गोवा में आके जो है फैसिलिटी जो आपको मिल रहा है उससे आप सहमत हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। अभी व्हीलचेयर एक्सेसिबल हम लोगों को आने जाने के लिए सारा सुविधा मिला, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जीबिशंस लगे हैं। मैं असल में पैरा स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं एक पैरालंपिक प्लेयर हूँ, मैं बॉशिया खेलता हूँ। बॉशिया जो है वो पैरालंपिक्स में तीसरा सबसे बड़ा गेम है, और मैं उसमें इंडिया टीम का कैप्टन हूँ। अभी मैं दुबई भी खेल के आया हूँ और मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है, मेरी वर्ल्ड रैंक 26 है, और अभी भी मैं आगे आने वाले एशियन गेम्स और हमारे जो भी ओलंपिक्स हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और साथ साथ यहाँ पे टेबल टेनिस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और रिप्रेजेंट कर। एक सवाल पूछे आपसे कि जो लोग कहते हैं कि नहीं होगा मुझसे, और आपने वो करके दिखाया, आप अभी भी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने आप को लाचार या बेबस नहीं समझना चाहिए। आप यूनिक हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और आप लाइफ में आपको एक सेकेंड चांस मिला है, और आपको अपना बेस्ट देना है, और आप करेंगे और आप बहुत आगे जाएंगे अगर आप एक अच्छी नेवर गिव अप सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद सर।